मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिवर तवी फ्रंट पार्क, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जब पिकनिक मनाने आया करते थे तो झूले आप देख सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा है, कोविड-19 से पहले झूले इस तरह से भरे हुए होते थे और अब इस तरीके से वीरान हैं, खाली हैं। अंदर लेके चलते हैं। काफ़ी चहल पहल यहाँ देखने को मिलती थी और जिस तरीके से सरकार ने पार्क्स को खोलने की गाइडलाइंस भी दी, तमाम SOPs का पालन भी करना है, मास्क मैंडेटरी है, और साथ ही साथ लोग ये भी जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान हमें अपना ख्याल कैसे रखना है, किन गाइडलाइंस का पालन करना है और किस तरीके से हमें तमाम SOPs का पालन करना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एंट्री टिकट अडल्ट 20 रुपीज़, चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स 10 रुपीज़, 2-व्हीलर 10, 4-व्हीलर 20। और साथ में ये भी एक मैसेज गया है, गो ग्रीन देयर इज़ नो प्लैनेट। तो तवी में गंदगी ना फैलाइए, साफ स्वच्छ रखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तमाम लोग ये कहते हैं और ये जानते हैं कि स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत का मिशन हम सबका है। यहाँ पर इस पार्क की बात करें, बहुत से लोग आते हैं, इंजॉय करने आते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते पार्क बेशक खुल गए हैं लेकिन वीरानगी आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे, परिवार के साथ मैक्सिमम लोग यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो एक किस्म की पिकनिक एंजॉय करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आते हैं और सेल्फीज़ के तौर पर बहुत कुछ यहाँ पर खूबसूरती बहुत कुछ है। और एक आप देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति को यहाँ पर बिठाया गया है, लंबे लंबे बाल हैं उनके और चेहरा प्रॉपर बनाया गया, गॉगल्स उन्होंने पहनी है, ऑब्वियसली ब्रांडेड गॉगल लग रही है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर, एक जैसे हम बैठेंगे अभी यहाँ पर तो सेल्फी लेने बैठेंगे तो एक पल के लिए तो जो थोड़े बहुत घबराते होंगे वो सोचेंगे कहीं ये बाजू उठा के आपके ऊपर ना रख ले, बोले हेलो भाई बाबा यहाँ पर हाथ रख लो तो मैं सेल्फी लूँगा। लेकिन इंतज़ार करते करते यहाँ पर ये भी शायद थक चुके हैं और विराम कर रहे हैं। आगे लेके चलते हैं आपको, यहाँ के पार्क की खूबसूरती देखकर बनती है और जगह जगह पर ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए कितनी प्यारी सी नेस्ट बना के रखी है, गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, जहाँ भी आपकी नज़र दौड़ेगी यहाँ पर आप परिवार के साथ आकर, दोस्तों के साथ आकर ढेर सारा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कोविड-19 को भी ध्यान में रखना है और गाइडलाइंस कहती हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए, तमाम SOPs का पालन कीजिए, गाइडलाइंस का पालन कीजिए। आप देख सकते हो कि पुराने टायर, अब ये टायर जहाँ तक आइडिया है ट्रैक्टर का लग रहा है। दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, एक अगर यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, बैठने के लिए भी अच्छा है, यहाँ पर बैठ के सेल्फीज भी ले सकते हैं। और हाँ, एक आइडिया ज़रूर यहाँ पर मैं देना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं चाहूँगा एक बार फोकस करें नीचे, जिस तरीके से यहाँ पर घास है, अगर एक पौधा भी लगा लिया जाए तो वो पौधा भी बड़ा हो जाए, बैठने की जगह भी मिल जाएगी और छाया की छाया भी मिल जाएगी। यहाँ पर ढेर सारी एक समय पर रेन डांस पार्टीज़ भी हुआ करती थी, एक म्यूज़िकल इवनिंग के साथ। इस पार्क में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जब भी कोई भी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, यहाँ पर उनकी मौज मस्ती करने का पूरा ख्याल रखा गया है, किस तरीके से वो झूले ले सकते हैं, किस तरीके से वो इस खूबसूरती का मज़ा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बार यहाँ पर मैं दौड़ाना चाहूँगा आपकी इस तरफ नज़र, तवी बिल्कुल पास में पड़ती है और इसीलिए ये तवी फ्रंट पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल बेरोनगी यहाँ पर ज़रूर है और दूसरी तरफ जिस तरीके से SOPs कहती हैं, गाइडलाइंस कहती हैं कि आप जो हैं वो पार्क में जब भी जाते हैं तो पार्क में जिस तरीके से बाहर पर्ची कटेगी, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद जो है मास्क के बिना आपको अंदर जाना अलाउ नहीं है। वीरान और वीरानगी, ये झूले जहाँ पर बच्चे खेलते नज़र आते थे, उनकी खिलखिलाहट, उनकी चहकना, कभी इस स्कूटर पर बैठकर एंजॉय करना, और कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ जो उनके परिवार के, फैमिली के जितने भी जन आते हैं वो भी
देखिए यहाँ पर बैठकर सेल्फीज खिंचाना और इन झूलों में खासकर छोटे छोटे बच्चे जब झूलते नज़र आते हैं तो कई बार उनके परिवार के जो माता पिता हों, उनके भाई बहन हों, वो भी अपना बचपन एक बार दोबारा से जी लेते हैं। कई बार वो भी अपने बच्चों के साथ इन्हीं झूलों पर आकर झूले लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। चलो आप तमाम लोगों को हम अंदर भी लेके चलते हैं। वो रोनकें, वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो चहकना बच्चों का यहाँ पर, और तमाम चीज़ों का ख्याल जो है यहाँ पर रखा गया है, इंतज़ार है। तो एक बार दोबारा से कोविड 19 को हराकर, कोरोना वायरस की महामारी को हराकर एक बार दोबारा से ज़िंदगी जब पटरी पर आएगी तो दोबारा से यहाँ पर इसी तरीके से बच्चे आएंगे, इंजॉय करेंगे, झूले लेंगे और फिर पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि कोविड 19 के केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम कर रही है, बस हम अपनी तरफ से अपना कर्तव्य निभाते रहें। इसी तरीके से स्टोरी से आपको और भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक दीजिए बाहु एसोसिएट पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।